सिंधु घाटी सभ्यता के इस पॉइंट का आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट आठवां पॉइंट है परिवार। खुदाई में प्राप्त भवन और उनमें पृथक पृथक परिवारों में रहने की योजना से लगता है कि सिंधु सभ्यता काल में परिवार समाज की मूल इकाई थी। विद्वानों का अनुमान है कि उस युग में भी संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही होगी और प्रत्येक परिवार के माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि एक साथ रहते थे। परिवार पितृसत्तात्मक थे अथवा मातृसत्तात्मक, इसके बारे में निश्चित कहना कठिन है। फिर भी खुदाई में प्राप्त नारी मूर्तियों की बहुलता और मातृ देवी की लोकप्रियता के आधार पर विद्वानों का मानना है कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक समाज था। नेक्स्ट है नारी का स्थान। ठोस साक्ष्यों के अभाव में समाज में नारी के स्थान पर समुचित प्रकाश डालना संभव नहीं है। विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु समाज में नारी का आदरपूर्ण स्थान था। परिवार की मुखिया एवं पोषिका समझी जाती थी। मुद्राओं पर अंकित विभिन्न नारी चित्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंध स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों में पुरुषों के समाज समान रूप में सम्मिलित थी। नेक्स्ट है मृतक संस्कार। मोहनजोदड़ो में कोई शव स्थान अथवा समाधि नहीं मिली है। हड़प्पा तथा कालीबंगा में अवश्य कुछ कब्र मिली है जिनके शव का सिर उत्तर दिशा की ओर रखा था, जो किसी धार्मिक विश्वास के आधार पर किया जाता था। शवों के साथ विविध आभूषण, वस्त्र और अन्य वस्तुएं भी मिली थी, जिनसे अनुमान किया जाता है कि सिंधुवासी संभवतः परलोक के जीवन की कल्पना करते थे। नेक्स्ट दसवां है शिक्षा। सिंधुवासी लिखना पढ़ना जानते थे। ये काम मुख्यतः तख्तियों पर होता था। इन पर कलमों से लिखा जाता था। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक खिलौनों के आधार पर विद्वानों का मानना है कि बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध कराने में इनका प्रयोग किया जाता था। तोल और माप के निश्चित साधनों से अनुमान होता है कि बच्चों को अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। विद्वानों का मानना है कि सिंधुवासियों को ज्योतिष के सिद्धांतों की भी जानकारी रही होगी। लोगों को चिकित्सा संबंधी ज्ञान की भी जानकारी थी। नेक्स्ट लिपि। सिंधु सभ्यता के भग्नावशेषों में प्राप्त बहुत सी मुद्राओं, ताम्रपत्रों और मिट्टी के बर्तनों पर अनेक प्रकार के लेख उत्कीर्ण केवल एक या दो पंक्तियां वाले ही हैं। इसलिए विद्वान लोग इन लेखों को पढ़ने अथवा लिपि की सही जानकारी प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए हैं। हंटर महोदय का मत है कि ये लेख चित्रलिपि में हैं और सिंधु लिपि को चित्रात्मक लिपि कहना चाहिए। विद्वानों ने अब तक 396 चिन्हों की सूची बनाई है, जो लिपि का प्रत्येक चित्र किसी विशेष शब्द अथवा वस्तु को प्रकट करता है। विद्वानों का मानना है कि यह लिपि पहली पंक्ति में दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है और दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। इस प्रकार की लिखावट को वैश्रोफेदन कहा जाता है। विद्वानों की मान्यता है कि सुमेरियन और मिस्र की लिपियों की तुलना में सिंधु लिपि अधिक उन्नत और परिष्कृत थी। नेक्स्ट है कला। मूर्तिकला के क्षेत्र में पत्थर और धातु की बनी मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति इतनी सुंदर है कि वह बिल्कुल सजीव प्रतीत होती है, जो त्रिभंगी मुद्रा में नृत्य करने के लिए तैयार दिखलाई पड़ती है। हड़प्पा से प्राप्त दो पाषाण मूर्तियों का भी विद्वानों ने काफ़ी प्रशंसा की है। एक मूर्ति लाल पत्थर की बनी मानव मूर्ति है जिसका सिर टूटकर कहीं खो गया है। दूसरी मूर्ति काले पत्थर की है और वह किसी नर्तकी की प्रतीत होती है। नर्तकी नृत्य की मुद्रा में अपना बायां पैर पृथ्वी से ऊपर उठाए हुए है। मोहनजोदड़ो से एक अन्य खंडित प्रतिमा मिली है जो किसी पुजारी अथवा योगी की प्रतीत होती है। उसकी आंखें अधखुली हैं, मानो वह व्यक्ति योगासन की आसमुद्रा में हो। मार्शल ने लिखा है कि सिंधु घाटी की कला
और धर्म भी उतने ही विचित्र हैं और उन पर अपनी एक विशिष्ट छाप है। इस काल में हम अन्य देशों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जानते जो शैली की दृष्टि से यहाँ बनी मूर्तियों से साम्य रखती हो। उनका कहना है कि ये मूर्तियाँ इतनी सुंदर हैं कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का कोई भी यूनानी कलाकार इनको अपनी कृति बनाने में गौरव अनुभव करेगा। चित्रकला ज्ञान की जानकारी उनको मिट्टी के बर्तनों पर बने चित्रों से होती है। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना है जो बांस पर जाल लटकाए जा रहा है और उसके पैरों के पास में मछली और कछुए पड़े हैं। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। उत्खनन द्वारा प्राप्त किए भग्नावशेषों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। यद्यपि समृद्धि प्राप्त करने हेतु उन्होंने विभिन्न साधनों का प्रयोग किया था, किंतु कृषि ही सर्वप्रमुख साधन प्रतीत होता है। उनका आर्थिक जीवन काफी समृद्ध एवं उन्नत था। कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे तथा व्यापार वाणिज्य आजीविका के मुख्य साधन थे। इसमें पहला है कृषि। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश आज की भांति रेतीला क्षेत्र नहीं था, जहाँ पर्याप्त वर्षा व उपजाऊपन था। खुदाई में गेहूं और जो दोनों के अवशेष मिले हैं, चावल, मटर, तिल की भी खेती करते थे। खजूर व तरबूज आदि उगाए जाते थे। अनाज को रखने के लिए विशाल अन्न भंडार होते थे, जिनके बाहर ही अन्न पीसने की व्यवस्था भी होती थी। अनाज को पीसने के लिए चक्कियां और कूटने के लिए ओखलियों का प्रयोग किया जाता था। खाद्यान्नों को लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है पशुपालन। कृषि कार्य के साथ साथ सिंधुवासी पशुपालन का व्यवसाय भी करते थे। प्राप्त अवशेषों व मुद्राओं पर उत्कीर्ण चित्रों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग बैल, गाय, भैंस, सुअर, कुत्ते आदि पालते थे। ऊंट के अवशेष भी मिले हैं, परंतु ऊंट पालना संभवतः अधिक लोकप्रिय नहीं था। अश्व से संभवतः ये लोग परिचित नहीं थे। मुद्राओं पर हाथी के चित्र भी मिले हैं। खुदाई में सुअर के अस्थि पंजर और खिलौने मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये लोग सुअर को भी पालते थे। नेक्स्ट, कपड़े बुनना। सिंधुवासी संभवतः विश्व के सूत कातने तथा कपड़े बुनने वाले प्रथम लोग थे। उन्हें कपड़े रंगने का भी ज्ञान था। सूती तथा गर्म दोनों प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते थे। नेक्स्ट, घरेलू उद्योग धंधे। इस काल में कई घरेलू उद्योग धंधे विकसित हो चुके थे। सिंधुवासी सूती, ऊनी, मिट्टी, धातु, पत्थर आदि की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। मिट्टी के असंख्य बर्तन खुदाई से प्राप्त हुए हैं, जो अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक हैं। सिंधु सभ्यता में धातुओं के भी सुंदर आभूषण बनाए जाते थे। धातुओं के अतिरिक्त सीप, शंख, हाथी दांत आदि के भी आभूषण बनते थे। खुदाई में तराजू व बाट भी मिले हैं। सबसे छोटा बाट 13.64 इंच का है। सीप का बना स्केल, जिसकी लंबाई 13.2 इंच प्राप्त हुआ है। मैके महोदय को भी अनेक वस्तुओं पर सूत के धागे लिपटे हुए मिले हैं। श्री नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है कि सिंधु वासियों द्वारा निर्मित मलमल का प्रयोग मिस्र में ममी पर लपेटने के लिए किया जाता था। सिंधुवासी अपने यहाँ अनेक प्रकार की धातुएं मंगवाते थे और उसे गलाने तथा उनका मिश्रण करने में काफ़ी निपुण थे। मोहनजोदड़ो में तांबे का गला हुआ एक ढेर भी मिला है, जिसका आधार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि धातु की वस्तुओं को सांचे में ढालकर बनाया जाता है। सिंधुवासी पच्चीकारी एवं रत्न जड़ने के काम में भी काफी दक्ष थे। शांतिप्रिय होने के कारण सिंधु क्षेत्र में हथियारों बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट है व्यापार वाणिज्य। सिंधु सभ्यता के अवशेषों में अनेक वस्तुएं ऐसी थी जो इस प्रदेश की उपज एवं कृषि नहीं थी। विद्वानों का अनुमान है कि ऐसी वस्तुओं को
विदेशों से प्राप्त किया जाता था, जैसे सिंधु घाटी क्षेत्र में तांबा, चांदी, सोना आदि धातुएं प्राप्त नहीं होती थी। इन्हें ये अफगानिस्तान, ईरान आदि देशों से मंगवाते थे। तांबा राजस्थान, कीमती पत्थर बदखशा से प्राप्त होते थे। सिप्पी, शंख, कोड़ी आदि काठियावाड़ के समुद्र तट से आता था। शायद मूंगा मोती आदि रत्न भी इसी क्षेत्र से आते थे। आवागमन के साधन भी उन्नत थे। संभवतः उस युग में भी जल और थल मार्गों से व्यापारियों के बड़े बड़े सार्थवाहा दूर दूर के प्रदेशों तक आया जाया करते थे। मुद्राओं पर अंकित जहाज के चित्रों से अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधुवासी नौकाओं और जहाजों का उपयोग करते थे। स्थल मार्गों पर बैलगाड़ियाँ, बैल, घोड़े, गधों आदि का माल ढोने के लिए प्रयोग किया जाता था। अंतर्देशीय व्यापार काफ़ी उन्नत था, परंतु उनका विदेशी व्यापार भी कम उन्नत नहीं था। इनका पश्चिमी एशिया के बहुत से क्षेत्रों से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रहा था। इसके बहुत से प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो में भी सुमेरियन मुद्राएं मिली हैं, जो मध्य व्यापारिक संबंधों की सूचित करती हैं। ईरान के अवशेषों में भी ऐसी अनेक वस्तुएं मिली हैं जिन्हें सिंधु घाटी की उपज एवं कृति माना जाता है। पिगट के अनुसार संभवतः दासों का व्यापार भी होता था। ये विदेशों को निर्यात कौन सी वस्तु करते थे निश्चित करना कठिन है। पिगट के ही अनुसार केवल शासकीय नियंत्रण से ही इतनी सफलता नहीं आ सकती। शासकीय नियंत्रण के अतिरिक्त वाणिज्य संहिता एवं वस्तुओं के मानकीकरण की कोई व्यवस्था भी उस समय अवश्य विद्यमान रही होगी। तोल व माप के साधन। खुदाई से प्राप्त तोल व माप के विविध साधन भी व्यापार वाणिज्य की उन्नत अवस्था में प्रकट करते हैं। तोल के बहुत से बट्टे मिले हैं जो चौकोर पत्थर के आकार के हैं। इस तरह के बाट सिंधु सभ्यता के लगभग सभी छोटे बड़े केंद्रों में उपलब्ध हुए हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि उस युग में वस्तुओं के तोलने के लिए एक समान पद्धति के बाटों का प्रयोग किया जाता था। तराजू का भी प्रयोग किया जाता था। माप के साधन भी प्रचलित थे। सिप्पी के टुकड़ों की धातु से जोड़कर फुट्टा बनाई जाती थी। हड़प्पा से प्राप्त कांस्य सलाके मिली हैं, जिस पर मापने के छोटे छोटे विभाग अंकित हैं। विद्वानों का अनुमान है कि सिंधुवासियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला फुट्टा 13.2 इंच लंबा होता था। नेक्स्ट धार्मिक जीवन आपको अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।